बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन सिस्टम है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन सिस्टम है और ये एक प्रकार से क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड है, ठीक है। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और हम जानते हैं कि प्लस एम इफेक्ट जो होता है एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक रेट जो होता है वो NH2 माइनस का ज्यादा होता है किससे, OH माइनस, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि देखिए इस कार्बोनिल के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना। तो ये यहाँ पर जो है अटैक होगा, लेकिन सवाल उठता है कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा या नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना वो दोनों के हिसाब से दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए में जो है यहाँ से ऑक्सीजन ने अटैक किया इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से अटैक किया, ये यहाँ पर खुला निगेटिव चार्ज, फिर क्या होगा, फिर ये वाला देखिए री अटैक मारेगा यहाँ पर और ये क्लोरीन यहाँ से बाहर हो जाएगा और फाइनली देखिए यहाँ से ये सी एच टू ओ है ही, उसके बाद जो सी ओ सी एच थ्री बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या पॉसिबिलिटी है कि जो काम यहाँ पर ऑक्सीजन के द्वारा हुआ है वही काम यहाँ पर जो है, मतलब क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करे तो ये यहाँ पर जाएगा और फाइनली क्लोरीन बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो सवाल उठता है कि दो पॉसिबिलिटी है तो दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, तो दोनों में से मेजर प्रोडक्ट जो है ऑब्वियसली बात है बी ही होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो है एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो NH2 का ज्यादा होता है किसके, किससे, OH- माइनस से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है N से जुड़ा हुआ जो प्रोडक्ट होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा और वही अपना फाइनल आंसर भी होगा।